व्यासपीठ पे विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धे गुरुदेव श्री गौरदास जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कथा पंडाल परिसर में विराजमान सभी श्रोता भक्तजन एवं सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी श्रोता भक्तजनों को सादर प्रणाम। जैसा कि हमको विदित है, यहाँ श्री अग्रेसन भवन लोहिया नगर गाजियाबाद में दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा का आयोजन श्री निताई गौर हरि संकीर्तन मंडल के भक्तों द्वारा किया गया है, और साथ में ही इस कथा के साथ एक बहुत सुंदर उद्देश्य भी जुड़ा हुआ है। वह उद्देश्य है परम पूज्य परम श्रद्धे श्री गौरदास जी महाराज जी के सानिध्य में बन रहे श्री वृंदावन धाम में आश्रम का निर्माण कार्य। श्री वृंदावन धाम में गांधी मार्ग पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के सानिध्य में आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। आश्रम में श्री मंदिर, श्री गौशाला, वातानुकूलित एसी कमरे एवं हॉल की व्यवस्था रहेगी। तो जो भक्तजन सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर बैठे इस कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वे पूज्य महाराज श्री के आश्रम में गौशाला हेतु, मंदिर हेतु, वातानुकूलित एसी कमरे हेतु एवं हॉल हेतु या अन्य किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, तो पूज्य महाराज श्री की संस्था श्री निताई गौर हरि संकीर्तन मंडल ट्रस्ट रजिस्टर के पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में सहयोग प्रदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। और अब हम कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में हम अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं। श्री राधे श्याम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री सदगुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फल स्वरूप श्रावण मास में सप्त दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज कथा का तृतीय दिवस है। कल श्री भक्तमाल जी की पावन कथा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरित्र को हम आप सब श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रूप में धरा पर प्रकट हुए और किस प्रकार जीवन की इतनी कठिनाइयों को पार करते हुए वे भगवत कृपा का अनुभव करते हुए विराजमान है। किस प्रकार माता जी का वियोग हुआ, फिर गृहस्थ जीवन में अव्यवस्था हुई, लेकिन हर बाधा, हर समस्या, हर अवरोध गोस्वामी जी को मार्ग में बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, पीछे करने वाला सिद्ध नहीं हुआ। यही एक वैष्णव का जीवन है। इन महापुरुषों ने आकर के संसार में हमको यही सिखाया है कि यदि नाम का आश्रय लिया हुआ है, यदि भगवत शरणागति मजबूत है, तो हमारे जीवन में मंगल छोड़ अमंगल हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी। वे अमंगल को दूर करने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं, लेकिन हम केवल अनुकूल बात को ही भगवान की कृपा समझते हैं, अपितु भगवान की कृपा के दो रूप हैं, एक अनुकूल कृपा है, एक प्रतिकूल कृपा है।
जैसे एक माँ जब अपने बच्चे को स्नेह करती है, दुलार करती है, भोजन कराती है, उसकी सेवा करती है, तो इस समय माँ का जो दुलार है, प्यार है, ये उसकी अनुकूल कृपा है। अब उसी बालक के पैर में फोड़ा हो गया और फोड़ा दवा कराई गई कि फोड़ा सूख जाए, पर नहीं, समाधान हुआ, पक चुका था। डॉक्टर ने कहा कि अब चीरा लगाना पड़ेगा और फिर जो भी मवाद भरा है उसको निकाल करके फिर दवा भर के जब पट्टी करेंगे तब ये फोड़ा ठीक हो जाएगा। तो माँ बच्चे को पकड़ कर ले जाती है डॉक्टर के यहाँ। अब बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, डॉक्टर उस बच्चे के पांव पर, फोड़े पर चीरा लगा रहा है। माँ दोनों हाथों से बच्चे का पैर पकड़े है मजबूती से। वो बच्चा अपनी माँ को भला बुरा कह रहा है, सोच रहा है कितनी बुरी है जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है और माँ मेरा पैर पकड़े हुए है, चीरा लगवा रही है। तो इस समय माँ की प्रतिकूल कृपा है, ये भी कृपा है, पर ये कृपा का प्रतिकूल रूप है। डॉक्टर ने चीरा लगा दिया, घाव में दवा भर दी और कुछ दिन बाद वो फोड़ा ठीक हो गया, बच्चा स्वस्थ हो गया। तो जैसे दुलार प्यार करना माँ की कृपा थी, ऐसे उस बालक के फोड़े पर चीरा लगवाना भी उस माँ की कृपा है, वो दंड नहीं है। वो शरीर में फोड़ा तो किसी न किसी शरीर के विकार के कारण ही हुआ होगा, प्रारब्ध के कारण ही हुआ होगा, जो भी रोग आया होगा, लेकिन उस पर चीरा लगवाना, बालक को उस चीरे की, उस उपचार की पीड़ा देना, ये भी कृपा है। क्योंकि इस पीड़ा के भीतर भी आगे बालक स्वस्थ हो जाए, कहीं इस फोड़े का समय पर समाधान नहीं किया गया तो डॉक्टर ने कहा था कि पैर भी काटना पड़ सकता है, ये फोड़ा नासूर बन सकता है। तो माँ ने समय रहते उपचार कर लिया, लेकिन उस उपचार में पीड़ा मिली, तकलीफ मिली, पर वो तकलीफ भी कृपा का ही रूप है। क्योंकि माँ बालक से बहुत प्यार करती है, वो अपने बालक का अच्छा छोड़ बुरा नहीं कर सकती। कुछ ऐसा ही संबंध हम जीवों का भगवान के साथ भी है। हम अनुकूल बातों को तो जीवन में भगवान की कृपा मान लेते हैं, लेकिन प्रतिकूल को नहीं मान पाते। उस समय उद्विग्न हो जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं, संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन वैष्णव वही है, साधक वही है, जो प्रतिकूल से प्रतिकूल अवस्था में भी भगवान की कृपा का अनुभव करे। बात समझ आ रही हो या न आ रही हो, जैसे बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि इस चीरा लगाने का मेरे लिए क्या भला हो सकता है, फोड़े में इतना दर्द नहीं था जितना चीरा लगाने में हो रहा है, लेकिन माँ जानती है कि इस समय चीरा लगा देना ही इसके लिए अच्छा होगा। ऐसे ही प्रभु जानते हैं कि मेरे आश्रित के लिए कब कौन सा कार्य हित में होगा, और प्रारब्ध समय समय पर आता ही है। प्रारब्ध सब जीवों को भुगतना होता है, लेकिन जो प्रारब्ध जिस समय आ रहा है, ये समझना चाहिए कि इस भोग भोगने का यही सबसे उचित समय है। जो बिना प्रयास के मिल जाए, आ जाए, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। जिसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, हम लोग दुख पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, लेकिन फिर भी आ ही जाता है। सुख पाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन विपत्ति आ जाए इसके लिए तो कोई प्रयास नहीं करता। जो बिना प्रयास के मिले उसी को प्रारब्ध कहते हैं, भले वो संपत्ति हो, भले वो विपत्ति हो। पर साधक वही है जो भगवान के प्रत्येक विधान में अपने हित को ही देखे।
यदि भगवत शरणागत हो गए हैं, ऐसे प्रभु प्रत्येक जीव का ही मंगल किया करते हैं। लेकिन जो आश्रित हो गए हैं वे तो भगवान के जन हैं, उनके जीवन की हर घटना भगवान का मंगल विधान है। नहीं तो मन में होता है कि वाल्मीकि जी का गोस्वामी जी के रूप में अवतार हुआ, इतनी कठिनाई। पर ये कठिनाई जो इन महापुरुषों के जीवन में है, ये पहली तो लोक में आदर्श उपस्थित करना है और जीवों को दिखाना है कि देखो कैसे विपरीत परिस्थिति भी अंततः मंगल करने वाली होती है। और एक दिन साधक वैष्णव सब विपत्तियों को पार करते करते जो उसका गंतव्य है, जो उसका लक्ष्य है, भगवत चरणारविंदों की प्राप्ति उसको कर लेता है। तो गोस्वामी जी प्रयाग विराजे, गृहस्थ वेश का त्याग कर दिया था, विरक्त वेश धारण किया, और फिर किस प्रकार हनुमान जी की कृपा हुई, हनुमान जी से भगवत दर्शन का उपाय पूछा था, तब हनुमान जी ने कहा था अब आप चित्रकूट चले जाइए। जैसे श्यामा श्याम श्री वृंदावन में विहार करते हैं, ऐसे भगवान सीताराम चित्रकूट में विहार करते हैं। गोस्वामी जी चित्रकूट जा रहे हैं, धाम की प्रीति उनके हृदय में अत्यंत प्रबल हो रही है। कल हम लोग श्रीमन नारायण दास भक्त माली जी की दिव्य वाणी को गा रहे थे कि अब इधर उधर मत भटक मना, चल चित्रकूट निज ले हो बना। अब इधर उधर मत भटक मना, चल चित्रकूट निज ले हो बना। जिस लिए जगत में तू आ, असल लक्ष्य को बिसराया, उस असल लक्ष्य को बिसराया, फिर पीछे नहीं पड़े झकना, चित्रकूट निज लिए हो बना। फिर पीछे नहीं पड़े झकना, चल चित्रकूट निज लिए हो बना। शुभ दर्श मिले रघुनंदन का, शुभ दर्श मिले रघुनंदन का, नारायण प्रभु जग वंदन का, नारायण प्रभु जग वंदन का, नर जीवन सुफल हो ये अपना, नर जीवन सुफल हो ये अपना, चल चित्रकूट निज ले बना। नर जीवन सुफल हो ये अपना, चल चित्रकूट ले बना। अब इधर उधर मत भटक मना, चल चित्रकूट निज ले बना। अब इधर
उधर मत भटक मना, चल चित्रकूट निज ले बना। गोस्वामी जी इन्हीं भावों को गाते हुए धीरे धीरे श्री चित्रकूट पहुंचे हैं। दिव्य मंदाकिनी जी में स्नान किया है, दिव्य कामदगिरी की परिक्रमा की है, उन गुप्त गोतावरी का दर्शन किया है, देख देख करके दिव्य धाम को बलिहार हो रहे हैं। जहाँ कण कण में प्रिया प्रियतम की लीला समाई है, लीला का अनुभव कर रहे हैं, और वहीं कामदगिरी में कहीं अपनी कुटिया डाल ली है, और उस समय श्री चित्रकूट में निवास करते हुए भगवत कृपा की, भगवत दर्शन की आशा कर रहे हैं। एक दिन तो कुटिया के द्वार पर ही बैठे थे कि क्या देखा, चली जात परिक्रमा काही लखे एक दिन मार्ग माही। देखा सामने से दो राजकुमार आ रहे हैं, घोड़े पर बैठे हुए, हरी हरी पोशाक पहनी है, बड़े सुंदर दो राजकुमार हैं। आगे आगे गोरे रंग का राजकुमार है, पीछे आगे सांवले रंग का राजकुमार है, पीछे गोरे रंग का राजकुमार है। धनुष बाण हाथ में लिए हैं, मृगया करने के लिए, वन विहार करने के लिए मानो निकले हैं। गोस्वामी जी के आगे से ही वे दोनों घोड़े निकले। गोस्वामी जी देख रहे थे, हरित वसन पहरे दो वीरा, अश्व चढ़े धारे धनु तीरा। बड़ी सुंदर झांकी है। मृगया हे तुव नहीं वन हेरे, तुलसी देख नयन निज फेरे। दोनों भैया घोड़ों पे सवार होकर के वन विहार कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने एक बार दृष्टि उठा के देखा, फिर मन में आया किसी राजा के बेटे होंगे, आए होंगे चित्रकूट घूमने, विहार करने के लिए, तो एक बार देखा, फिर दृष्टि नीचे कर ली, जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, फिर अपने कार्य में लग गए। इतनी देर में हनुमान जी प्रकट हो गए और क्या कहने लगे, बोले आय अचानक सामुहे प्रगट भये हनुमान, और पूछत तुलसीदास सों कि देखे कृपा निधान। गोस्वामी जी से कहने लगे कि आपने कृपा निधान का दर्शन कर लिया। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया हनुमान जी को कि कौन कृपा निधान। बोले अरे अभी अभी भगवान गए ना आपके आगे से, घोड़े पर सवार होकर आगे आगे वो सांवले रंग का राजकुमार रघुनाथ जी जा रहे थे, और पीछे पीछे वो गोरे रंग का राजकुमार लक्ष्मण जी जा रहे थे, आपने दर्शन नहीं किया। जो गोस्वामी जी ने सुना, अरे वे मेरे इष्ट देव थे, वे मेरे नाथ थे। गोस्वामी जी तो रोते रोते मूर्छित हो गए, अजस अजस आंखों से अश्रुधार बहने लगी, और हनुमान जी से कहने लाद धोखा हो गया, लुट गया, लुट गया, लुट गया। वे करुणा की मूर्ति निकट होकर के मेरे पास से गए, और मैं पहचान नहीं पाया, प्रणाम भी नहीं कर पाया, भोग आरती भी नहीं कर पाया। हनुमान जी ने कहा, पहचान भले न पाए हो पर दर्शन तो हो गया। अब आपने हमसे दर्शन के लिए कहा था, हमने दर्शन करा दिया, अब आप पहचान नहीं पाए तो बताइए कैसे किया जाए। गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी दुविधा यही है कि जीव को भगवत दर्शन तो अनेक बार प्राप्त होता है। श्री गंगा जी के रूप में भी भगवान दर्शन दे रहे हैं, श्री तुलसी जी के रूप में भी वही दे रहे हैं, श्री भगवत विग्रह के रूप में भी वही दर्शन दे रहे हैं, ग्रंथ के रूप में भी वही दर्शन दे रहे हैं, संतों के रूप में भी वही दर्शन दे रहे हैं, और गुरुदेव के रूप में भी गोविंद दर्शन दे रहे हैं। लेकिन आंख में ऐसी माया की कीच भरी हुई है कि देख करके भी जीव पहचान नहीं पाता।
तो हे नाथ, दुविधा दर्शन की नहीं है, दुविधा पहचान की है। पर जब तक आप नहीं पहचान करवा पाओगे, जीव को पहचान होगी कैसे? गोस्वामी जी परम व्याकुल हो गए थे, दुदन करने लगे थे कि लोचन रहे बैरी हो, पल में खोए मुझ कर्महीन के भाग हीरा लगा भी, हाथ हीरा लगा भी, फिर भी मैंने पल में खो दिया। सकल रूप की अवध मेरे निकस गए ढिग होए, दास तुलसी राम बिछुरे कहो कैसे होए, लोचन रहे बैरी हो। विलाप करने लगे। हनुमान जी ने बहुत बहुत समझाया और कहा, गोस्वामी जी अच्छा कोई बात नहीं, अब आपको एक बार दर्शन और होगा, फिर आप पहचान लीजिएगा, सावधान रहिएगा, एक बार फिर आप पर कृपा होगी। बोले ठीक है, मैं कृपा की प्रतीक्षा करूंगा। धीरे धीरे करके समय निकल रहा था और गोस्वामी जी राम दर्शन की लालसा में आतुर हो रहे हैं। और यही वैष्णव का जीवन है, भजन का एक अर्थ होता है प्रतीक्षा। कौन चीज की प्रतीक्षा? श्री कृष्ण कृपा की प्रतीक्षा, अनुग्रह की प्रतीक्षा। और जिस जिसने भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करी वे निराश नहीं हुए, जिन जिन ने संसार की प्रतीक्षा करी वे प्राय सभी निराश हुए।
लेकिन जिन्होंने भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करी, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जो निराश हुआ हो। सो गोस्वामी जी चित्रकूट में विराजमान हैं। और एक जीवस मंदाकिनी तीरा, एक दिवस मंदाकिनी तीरा, एक दिवस मंदाकिनी तीरा, एक दिवस मंदाकिनी तीरा, एक दिवस भगतन की धीरा, जोरी संत भगतन की धीरा, राम घाट पर तुलसीदासा, राम घाट पर तुलसीदासा, राम घाट पर रूप सो करत विचारा, हरि सुंग रूप सो करत विचारा, अब कहो तुलसी धोखा खाम, अब कहो तुलसी धोखा खाम, अब कहीं तुलसी धोखा खाम, अब कहीं तुलसी सर भेद बतावे, ज्ञान सुजस सर भेद बतावे, एक दिवस मंदाकिनी तीरा, एक दिवस मंदाकिनी तीरा, जुरी संत भगतन की धीरा, जुरी संत भगतन मंदाकिनी का तीर विक्रमी संवत 1607 मौनी अमावस्या का दिन गोस्वामी जी मंदाकिनी जी में स्नान करके राम घाट बैठे थे। आप सबने दर्शन किया है, विराजमान होकर के इतने संत महात्मा आए हुए थे, अमावस्या के पर्व के ऊपर सब स्नान कर रहे थे। गोस्वामी जी राम घाट पर स्नान करके एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और स्नान करने के पश्चात चंदन घिस रहे थे अपने ठाकुर जी के लिए।
गोस्वामी जी के साथ नरसिंह शालिग्राम रहते थे, उनकी सेवा करते थे आप, तो उनकी सेवा के लिए चंदन घिस रहे थे कि फिर कृपा का झोंका आया, सामने से देखा जो बड़े सुंदर बालक, अब की बार और छोटा भगवान ने बाल रूप बनाया है, आगे आगे सांवरे रंग का बालक है, पीछे पीछे गोरे रंग का बालक है, और छम 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 ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, छम छम करते हुए भगवान गोस्वामी जी के पास आए और गोस्वामी जी से कहने लगे कि गोस्वामी जी हमें चंदन लगा दीजिए। गोस्वामी जी ने दर्शन किया, दर्शन करके आश्चर्यचकित रह गए, कितने सुंदर बालक हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, पर मेले का समय है, होंगे किसी के बालक आए होंगे चित्रकूट घूमने। गोस्वामी जी ने कहा कि बालक भगवान आप बैठिए, पहले चंदन घिस करके और मैं अपने शालिग्राम भगवान को अर्पण करूंगा और फिर प्रसादी चंदन आपको भी दूंगा। तो गोस्वामी जी ने शालिग्राम भगवान को तुलसी चंदन अर्पण किया और उस समय महाराज श्री राम जी के मस्तक पर, उन राम लला के मस्तक पर गोस्वामी जी ने चंदन लगाया। फिर सामरे बालक ने कहा गोस्वामी जी अब हम भी आपके चंदन लगाएंगे। तो गोस्वामी जी को ठाकुर जी भी चंदन लगा रहे थे, गोस्वामी जी ने भगवान को लगा दिया, भगवान गोस्वामी जी को लगा रहे थे और प्रभु चले ही जाते, पर उसी समय हनुमान जी ने देखा कि अरे तो फिर चूक जाएंगे। तब जिस तरुवर के नीचे बैठ चंदन घिस रहे थे उसी तरुवर पर श्री हनुमान जी महाराज तोते के रूप में आकर के विराजमान हो गए और सोचने लगे यदि अब भी तुलसीदास जी चूक गए तो बड़ी हानि होगी, अब कैसे करूं। तब आप जानते हैं श्री हनुमान जी ने उस समय शुक के रूप में एक बहुत सुंदर दोहे का गायन किया कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। जैसे ही हनुमान जी ने दोहा गया गोस्वामी जी चौंके कौन बोला, तैसे ही ऊपर उस तोते पर निगाह गई, तोते के रूप में हनुमान जी दिखाई दे गए, इशारा कर दिया हनुमान जी ने कि जिनसे चंदन लगवा रहे हो लगा रहे हो ये सामान्य बालक नहीं है, हमारे प्राणधन रघुनाथ जी हैं। और जैसे ही गोस्वामी जी को पता चला प्रभु हैं, चंदन का पात्र हाथ से छूट गया, पकड़ लेना चाहते थे भगवान को, चरणों में दंडवत करना चाहते थे, हृदय से लगा लेना चाहते थे कि उसी समय फिर लीला अंतर ध्यान गोस्वामी जी फिर अचेत होकर के गिर पड़े। लोचन रहे देरी हो मैं जान बूझ अकाज कीनो दियो भुव में गो कर्म ही नहीं पाय हीरा दियो पल में खो सकल रूप की अवधि मेरे निकस गए ढिग हो दास तुलसी राम बिछुरे कहो कैसे लगे थे। वही मंदाकिनी के तट पर लोट पोट होने लगे थे, हा रघुनाथ हा प्राण धन हा प्राण नाथ कह के विलाप करने लगे थे। फिर श्री हनुमान जी प्रकट हुए, फिर गोस्वामी जी को बार बार सचेत किया, गोस्वामी जी ने कहा अब की बार भी चूक गया हनुमान जी, फिर धोखा हो गया, इतना ज्ञान में भरा प्राणी हूं नहीं पहचान पाया प्रभु को। हनुमान जी ने कहा अब के तो हमने घोषणा कर दी थी, अब के तो आपने पहचान लिया था, नेत्र भर के देख लिया था, अब हमारा दिया हुआ वचन पूरा हो गया। गोस्वामी जी ने कहा नाथ
अभी तृप्ति नहीं हुई मुझको, उल्टा जो अग्नि कुछ कम थी वो अग्नि और बढ़ गई है। अभी नेत्र भर के निहारा नहीं, स्पर्श नहीं किया, भोग नहीं धरा, आरती नहीं करी, बलैया नहीं ली, मेरे हृदय की विरहाग्नि और प्रबल हो गई है। हनुमान जी ने कहा, देखो गोस्वामी जी, अब तो आपका लालच बढ़ता जा रहा है, हमारी दर्शन की बात हुई थी, अब आप छूने को भी कहते हैं, प्रणाम को भी कहते हैं, भोग आरती को भी कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, हे नाथ, आप यदि अनुकूल हो जाओ, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, आप मेरे गुरुदेव भगवान हो, और गुरुदेव तो गोविंद से मिलाया करते हैं नाथ, आप जैसे संत भगवान को गुरुदेव को पा करके यदि तुलसी अनाथ रह जाएगा तो कौन संभालेगा, हे नाथ दया करिए। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा फिर कृपा होगी। और गोस्वामी जी ने कहा, नाथ एक बात और है कि हमने आपसे जब आपने वर मांगने को कहा था, तब हमने आपसे श्री राम भूप के दर्शन मांगे थे, माने राजा राम जी के दर्शन मांगे थे, अभी आपने राम लला के दर्शन कराए हैं, किशोर राम के दर्शन कराए हैं, पर राजा राम जी के परिकर सहित दर्शन नहीं कराए। गोस्वामी जी ने कहा, तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है फिर कृपा होगी, फिर कृपा होगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, अ तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। ये तो जिसको मिलते हैं भगवान से मिलाया ही करते हैं। धीरज धरो, फिर कृपा होगी। अब श्री गोस्वामी जी किसी तरह अपने आप को संभालते हुए चित्रकूट में निवास करते हैं, कामदगिरी की परिक्रमा किया करते हैं, मंदाकिनी जी में स्नान करते हैं, और निरंतर भगवान सीताराम के युगल चरणों का ध्यान करते हुए चित्रकूट में विहार करते हैं, और यही गाया करते हैं कि भजो सियावर राम जुगल चर, ओ जुगल
चित्रकूट जी में विराजमान है, कामद गिरी जी की परिक्रमा कर रहे थे कीर्तन करते हुए कि चलते 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 परिक्रमा में लक्ष्मण पहाड़ी स्थान पड़ता है, जिस पहाड़ी के ऊपर लक्ष्मण जी का स्थान है। चित्रकूट वास के समय लक्ष्मण जी उस पहाड़ी पर रहते थे और भगवान का पहरा देते, सुरक्षा में रहते। तो उस लक्ष्मण पहाड़ी के निकट से जब गोस्वामी जी निकले सो देखा कि लक्ष्मण पहाड़ी पर बड़े सुंदर तंबू लगे हुए हैं, परदेश में आने लगे हुए हैं और कोई रामलीला का मंचन हो रहा है। और इतनी सुंदर शोभा थी कि गोस्वामी जी से रहा नहीं गया। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, परिक्रमा थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी चल करके थोड़ा लीला का आनंद लिया जाए। तब गोस्वामी जी परिक्रमा छोड़ करके भीतर प्रवेश करे और जो देखा महाराज, वहां तो कुछ दिव्य ही परिवेश था। देख करके अचंभे में गोस्वामी जी रह गए। मंच भी अद्भुत है, पर्दे भी अद्भुत हैं, वस्त्र भी अद्भुत है, साज भी अद्भुत बज रहे हैं और जो लीला का मंचन कर रहे हैं जो पात्र हैं वे भी बड़े अद्भुत हैं। गोस्वामी जी विचार करते हैं कि जीवन में रामलीलाएं तो हमने बहुत देखी लेकिन ऐसी रामलीला तो नहीं देखी। अयोध्या में काशी में कितनी रामलीलाएं देखी हैं लेकिन ये तो बिल्कुल ही जैसे जगत के ही नहीं है, जगत से न्यारे हैं, अद्भुत लगता है ये पात्र सामान्य नहीं है, जैसे कि सचमुच के ही पात्र हों। गोस्वामी जी देख करके बड़े आनंदित हुए और संयोग से उस समय लीला का मंचन हो रहा था और लीला में राज तिलक की लीला ही गाई जा रही थी कि भगवान श्री राम अयोध्या से लौट आए हैं और सुंदर समय में सिंहासन पर पधराया गया है। पीछे श्री भरत जी छत्र लेकर खड़े हैं, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी इधर उधर चंवर लेकर के खड़े हुए हैं, श्री हनुमान जी चरणों में विराजमान हैं, जानकी जी वामांग हैं, तीनों मैया बैठी हैं, सब पार्षदगण बैठे हैं और श्री वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के माथे पर तिलक कर रहे हैं। इस लीला का मंचन हो रहा था और समाजी लोग उसी समय गा रहे हैं कि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, जो राशाचार्य थे समाजी थे वे गायन कर रहे थे और मंच पे लीला का अभिनय हो रहा था, वशिष्ठ जी भगवान को तिलक कर रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर जितने भी विप्रगण थे उन सबको तिलक करने के लिए बुलाया। तब लीला करते हुए जो वशिष्ठ जी थे उन वशिष्ठ जी ने श्रोताओं में बैठे हुए गोस्वामी तुलसीदास जी की तरफ भी इशारा किया और इशारा करके कहा आइए पधारिए आप भी तिलक करिए।
गोस्वामी जी तो कोई लगा ही नहीं कि मुझे ही कह रहे हैं, उनको लगा आसपास कोई जानकार बैठा होगा, दाएं बाएं देखे कोई था नहीं। फिर वशिष्ठ जी ने इशारा किया आइए, तब गोस्वामी जी को लगा तो मुझे ही बुला रहे हैं। तब गोस्वामी जी को बार बार कहा तो गोस्वामी जी प्रणाम करके संकोच पूर्वक मंच के ऊपर चढ़े। सोई वशिष्ठ जी ने थाली पकड़ा दी, ये तिलक कर लीजिए सरकार को। तब गोस्वामी जी ने हाथ में तिलक लिया और जैसे ही भगवान के मस्तक पर तिलक किया, दिव्य स्पर्श हुआ, सारे शरीर में बिजली कौंध गई उनके। फिर तिलक किया, फिर चरणों में पुष्पांजलि करी, फिर आरती भोग सब किया और अंत में युगल के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और फिर गोस्वामी जी संकोच पूर्वक मंच से उतर के अपने स्थान पे आके बैठ गए और थोड़ी देर में लीला पूरी हो गई, पर्दा आ गया। सब श्रोता जो बैठे थे वे उठ करके धीरे धीरे जाने लगे, गोस्वामी जी भी उठ करके चले और परिक्रमा देने लगे। लेकिन परिक्रमा अब आगे दे रहे हैं, बल्कि बार बार मन में वही लीला का चित्र चल रहा है और सोच रहे हैं तुलसीदास जीवन में रामलीलाएं तो तूने बहुत देखी, काशी में अयोध्या में कितनी लीलाएं देखी, राजापुर में भी देखी, पर ये तो लगता नहीं कोई धरती की कोई मंडली है, लगता है आकाश से उतर के आए थे। कैसे सुंदर पात्र, कैसे साज बज रहे थे, कैसी पोशाक थी, कितना दिव्य था सब कुछ, बार बार मन में विचार कर रहे थे। इतनी प्रेम की खुमारी चढ़ गई कि गोस्वामी जी से परिक्रमा नहीं हुई, एक जगह किनारे पर बैठ गए। पीछे से कुछ लोग वैष्णव लोग आ रहे थे परिक्रमा करते हुए, गोस्वामी जी को बैठे देखा तो गोस्वामी जी से कहा, गोस्वामी जी कैसे बैठ गए, थक गए हैं क्या? गोस्वामी जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है भैया, अभी हम भी परिक्रमा देते आ रहे हैं, लक्ष्मण पहाड़ी पर आपने देखा नहीं कैसी सुंदर लीला हो रही है, हमने तो जीवन में ऐसी लीला कहीं देखी नहीं, जाने कहां से मंडली आई है। उन परिक्रमा करने वालों ने कहा, गोस्वामी जी परिक्रमा तो करते हम भी आ रहे हैं, लक्ष्मण पहाड़ पे तो कोई लीला नहीं हो रही। बोले महाराज कैसी बात करते हो, इतने बड़े बड़े शमियाने तंबू लगे हैं, इतना बड़ा इंतजाम है, आप कह रहे कुछ नहीं हो रहा। बोले नहीं महाराज, हम भी तो आए हैं, कुछ होता तो हमको भी दिखाई देता, रात्रि का समय बिल्कुल अंधकार है, कुछ नहीं हो रहा। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं भैया चलो हमारे साथ। तब गोस्वामी जी उल्टी परिक्रमा करते हुए आए और जैसे ही लक्ष्मण पहाड़ी पर पहुंचे कि चलो दिखाऊंगा आपको कहां लीला हो रही है, और मन में ये भी था चलो लीला हो गई होगी कोई बात नहीं, वे जो पात्र थे वो प्रसाद पा रहे होंगे, विश्राम कर रहे होंगे तो एक बार और दर्शन हो जाएगा। इसी भाव से गोस्वामी जी जब लक्ष्मण पहाड़ी पर पहुंचे तो अब न वहां कोई शमियाना था, अब न वहां कोई तंबू था, न कोई मंच था, न कोई लीला हो रही थी। जैसे गोस्वामी जी ने झका चूं और भाग करके देख रहे थे, कहां चले गए, कहां चले गए अभी थे, तब थोड़ी देर बाद घूमने पर जान गए कि फिर चल गया मैं। उन परिक्रमा वालों ने कहा, महाराज यहां तो कोई लीला नहीं है, गोस्वामी जी मुख से कुछ नहीं बोल पाए, वे लोग तो आगे निकल गए और गोस्वामी जी वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े, विलाप करने लगे, अंग अंग से सुधार फूटने लगी, मुख से फेन निकलने लगा, हा रघुनाथ हा सिया रघुनाथ हा सिया राम हा सिया राम कहते हुए प्रलाप करने लगे। लोचन रहे हाय, फिर नैनों ने जाने कौन जन्म की दुश्मनी निकाली, ये आंखें फिर नहीं पहचान पाई प्रभु को, कर्म ही नहीं पाए हीरा दियो पल में खोए, सकल रूप की अवध मेरे निकस गए डिगोए, दास तुलसी राम बिछुरे कहो कैसे होए, लोचन रहे बैरी हो। विलाप करने लगे थे, अत्यंत विरह में व्याकुल हो गए, सब लोग तो चले गए, गोस्वामी जी वहीं पड़े थे लक्ष्मण पहाड़ी पर, लोटपोट हो रहे थे। उसी समय फिर हनुमान जी प्रकट हो गए, गोस्वामी जी के सिर को गोद में ले लिया, धीरे धीरे सिर के ऊपर हाथ फेरने लगे। गोस्वामी जी को किसी प्रकार थोड़ी चेतना आई, हनुमान जी को देख के चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा, अब क्यों व्याकुल हो रहे हैं आप, अब तो आपको राम भूप का दर्शन हो गया, वो जो आपने दर्शन किया वो कोई मंडली करने वाले नहीं थे, वे साक्षात थे, लीला नित्य है,
प्रभु ने श्री जी ने कृपा करके आपको अपनी दिव्य लीला का अनुभव कराया है। गोस्वामी जी उस धन को हृदय में धारण करिए। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं योग्यता है मेरे में धारण करने की। बार बार आप कृपा कर रहे हैं, बार बार रघुनाथ कृपा कर रहे हैं, पर धिक्कार है मुझे, नहीं पहचान पाता प्रभु को, नेत्र भर के नहीं दर्शन कर पाता। हनुमान जी ने कहा खूब नेत्र भर के दर्शन कर लिए हो, स्पर्श भी कर लिए हो, भोग भी कर लिए हो, आरती भी कर लिए हो, क्यों इतने व्याकुल हो रहे हो? पर गोस्वामी जी को चैन नहीं। और ये रास्ता ऐसा ही है, ज्यों ज्यों दवा करते गए त्यों त्यों रोग बढ़ता गया। संसार में तो दवा करने पे रोग घटता है और यहाँ पे दवा करने पे रोग बढ़ता है, ऐसी रीत है, अटपटी। भक्त लोग कहते हैं कि मदरसे इश्क का असूल निराला देखा। कैसा निराला असूल? कि जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी न मिली। ये प्रेम के विद्यालय का कानून अलग तरीके का है। नहीं, स्कूल में जो बच्चा याद नहीं करता उसकी छुट्टी बंद हो जाती है, और जो याद करते हैं वो समय से चले जाते हैं। पर भक्तों का कहना है प्रेम विद्यालय की रीत कुछ अलग है। यहाँ जिन्हें सबक याद नहीं होता उनकी तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, और जिनको सबक याद हो जाता है, पाठ याद हो जाता है, उनकी छुट्टी नहीं होती, वे उसी विद्यालय में रख लिए जाते हैं। मदरसे इश्क का असूल निराला देखा, जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी न मिली। ज्यों ज्यों दवा करते गए त्यों त्यों रोग बढ़ता गया। हनुमान जी ने गोद में लेकर के दुलार किया गोस्वामी जी को, कहा इतने व्याकुल न हो, ये आशीर्वाद देता हूँ दोनों हाथ उठा के, तुम जब चाहोगे तब लीला का दर्शन करो, जब चाहो तुम्हारे हृदय में सदैव भगवान की लीला प्रकट रहे, तुम्हें निरंतर लीला का दर्शन होगा, इससे बड़ी और क्या कृपा हो सकती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु। ये गुरुदेव के काम है ना, ऐसी कृपा तो गुरु जी करते हैं। तो कृपा करो गुरुदेव तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। हृदय में डेरा डाल लिया ठाकुर जी ने, धन्य धन्य हो गए। अब तो महाराज कृपा हो गई, अब तो यार की तस्वीर रहती है दिल में, जब चाहा गर्दन झुकाई देख, अब तो प्रिया अपने तम हृदय में बस गए, जब चाहते हैं नेत्र नीचा करके दर्शन कर लेते हैं, कृपा के कपाट खुल गए। गोस्वामी जी अनेक दिन चित्रकूट में विराजे, और फिर हनुमान जी की प्रेरणा से पुनः काशी आकर के गोस्वामी जी विराजमान हुए, काशी जी में विराजमान। और फिर गुरुदेव की वाणी याद आई, हनुमान जी की प्रेरणा का स्मरण हुआ कि गुरुजनों की आज्ञा थी कि श्री रामचरित्र का लेखन होना चाहिए, तो इस काशी से सुंदर भूमि क्या होगी। अब तो चूंकि रोम रोम में भगवत कृपा हिलोरे ले रही है, तो गोस्वामी जी काशी में ही विराजमान होकर के रामायण का लेखन करने लगे, लेकिन हिंदी में नहीं, संस्कृत में। संस्कृत माही लिखन लगे काशी नगरी आए। पहले संस्कृत में रामायण लिखना चाह रहे थे गोस्वामी जी, और प्रारंभ भी कर दिया था लिखना। संस्कृत माही लिखन लगे काशी नगरी आए, लेकिन जो कछु भी दिन में लिखत रात में शिव जी लेत चुरा। दिन भर जो लिखते थे उसको रात को शंकर जी चोरी करके ले जाते थे। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, गोस्वामी जी सोचे मैं रोज लिख करके प्रश्न रखता हूँ, ये चोरी कहाँ हो जाती है प्रश्नों की, ऐसा कितने दिन होता रहा। बोले एही विधि लिखत चुरावत बीत गए दिन सात।
तब तुलसी को सपनों दियो शंभु आठवीं रात। इसी उहापोह में सात दिन बीत गए, रोज लिखते और रोज पृष्ठ गायब हो जाए, बड़े चिंता में कि मैं भगवत इच्छा से ही ऐसा कर रहा हूं, पृष्ठ कहां गायब हो जाते हैं। सात दिन हुआ तब तुलसी को दर्शन दिए शंभु आठवीं रात, प्रगट भये प्रत्यक्ष शिव लिए भवानी साथ, और तुलसी उठी प्रणाम कियो अधर्यो चरण में मां। गोस्वामी जी उठे, उठकर के गौरी शंकर भगवान को प्रणाम किया और कहा हे नाथ, बड़ी कृपा करी, दर्शन दिए, सेवक के लिए क्या किया है, मैं बड़ी उहापोह में हूं महाराज, आपकी प्रेरणा से रामायण का लेखन प्रारंभ किया है, लेकिन सात दिन से जो कुछ लिखता हूं रात को वो चोरी हो जाता है, पृष्ठ ही गायब हो जाते हैं, समझ नहीं आता ये काम कौन कर रहा है। भोले बाबा ने कहा गोस्वामी जी ये पृष्ठों की चोरी हम ही कर रहे हैं, तो हे नाथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोले ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि संस्कृत भाषा में रामचरित्र बहुत है, वाल्मीकि रामायण इतनी विस्तार से है, अध्यात्म रामायण है, और समस्त पुराणों में भी भगवान के सुयश को वेद व्यास जी ने अलग अलग प्रकार से गाया है, तो संस्कृत में तो प्रचुर मात्रा में रामायण उपलब्ध है, राम जी का चरित्र उपलब्ध है, इस समय संस्कृत भाषा के ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी आगे आगे ऐसा समय आने वाला है कि लोगों को हिंदी समझने में भी कठिनाई होगी, आपके ग्रंथ की उपादेयता आगे आने वाले कलियुग जीवों के लिए है, यदि आप भी संस्कृत में ग्रंथ लिख देंगे तो कलयुग के प्राणी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो हमारी आज्ञा और इच्छा ये है कि आप साधारण बोल चाल की भाषा में ग्रंथ का निर्माण करिए, ग्रंथ का लेखन करिए। गोस्वामी जी ने कहा नाथ, बोल चाल की ग्राम गिरा में यदि ग्रंथ लेखन करूंगा उसको तो कोई गंभीरता से लेगा ही नहीं, सनातन धर्म में तो आर्ष ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का आदर है, कोई सामान्य हिंदी भाषा की किसी कविता का तो कोई आदर नहीं होगा, उससे किस प्रकार जन कल्याण होगा। शंकर जी कहते हैं गोस्वामी जी मेरा आशीर्वाद है, आप ग्राम में गिरा में ग्रंथ का लेखन करिए, हम गौरी शंकर आशीर्वाद देते हैं, जितनी वेद मंत्रों की महिमा है, जितनी श्रुतियों की महिमा है, जितनी श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों की महिमा है, उतनी महिमा आपके हाथ की लिखी चौपाइयों की होगी, वो आपकी वाणियां, वो आपकी चौपाइयां भक्तों के जीवन में कंठहार बन जाएंगी। सो आप सोच संकोच का त्याग कर दीजिए और बोल चाल की भाषा में पद्यात्मक रामायण को प्रकट करिए, और देखिए जैसे अयोध्या भगवान की जन्मभूमि है, ऐसे अयोध्या राम कथा की भी जन्मभूमि है, तो राम कथा को यहां न प्रकट करिए, आप अयोध्या जी चले जाइए, वो अनुकूल भूमि है, श्री राम में और श्री राम कथा में कोई भेद नहीं है, श्री कृष्ण में और श्रीमद् भागवत जी में कोई भेद नहीं है, तो आप धाम में जाकर के धामी के सुयश को गाइए। जब ऐसी आज्ञा कर गए तब गोस्वामी जी भोले बाबा की आज्ञा से और उस समय काशी से अयोध्या जी के लिए प्रस्थान करते हैं।